अपना दिल लेके पहुंचूंगा। मेरा मतलब है कल मैं अपना रिश्ता लेके वहाँ तुम्हारे घर हाजिर होऊंगा। आपकी बाजी से बात हो गई है, वो मान तो जाएंगी ना? बाजी से बात मैं करूंगा, इस घर में मेरी गलती है, मेरी सही है ना? मैं डिसीजन लेता हूँ सर की, जो मैं कहता हूँ ना वो होता है। मेरी मर्जी के बगैर कोई चीज हिल नहीं सकती। हिल गई, हो गई आगे पीछे हो गई। एक मिनट रुको, बाजी कत्ल कर देंगी। हाँ तो तुम एक काम करो, तुम टेंशन नहीं लो, तुम बस इंतजार करो। मैं, हो सकता है मैं अंगूठी लेके आ जाऊँ, और ये भी हो सकता है कि मैं आऊँ काजी लेके, सरप्राइज करूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इतनी फुर्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप दुआ करें कि मेरे घर वाले भी मान जाएं, क्योंकि ना हमारे घर में सिर्फ मियाँ जी की चलती है। वो जो कह देते हैं ना, बस कह देते हैं। क्या बात करी उसमें तुम, तुमने तो कहा था सब सही है, मियाँ जी मान जाएंगे, घर में सब खुश हैं। ये तुम किस तरह की खबरें दे रही हो उसमें? ये तो तुम अब ना करने वाली बात है, ये तो हो गई एक तरीके से। यानी कि देखा जाए तो मेरी किस्मत तो शादी लिखी नहीं है। मैं तो ख्वाब में भी शनाइयां सुन रहा हूँ, मैंने तो शादी का जोड़ा भी चूज कर लिया था। अस्मा तुम बोलो ये झूठ है, ये तुम झूठ बोल रही हो ना, ये तुम झूठ बोल रही हो ना अस्मा? क्या हो गया है? मैंने तो एक इम्कान का इजहार किया है। आपको पता है इंटरव्यू लेने वालों की लिस्ट में ना अब एक और इजाफा हो गया भाईजान का, तो हो सकता है कोई मुश्किल सवाल कर ले, तो आप तैयारी करके आइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अब क्या खाक तैयारी रखूं, क्या बोगदे छुरियां तेज करवा लूं, ऐसा क्या करूं कि उसके जिद्दी अब्बा और अमीर कबीर भाई मान जाएं? क्या करूं या अल्लाह, क्या बेवफा तेरी दीवानगी। बंद कर ये गाना, चुप। क्या हुआ, आपको गाना पसंद नहीं है? आप कह रहे हैं तो आपके पसंद का गाना गाता हूँ, दिशान अहमद का गाना। वैसे वैसे भाई दे, तुम जैसे लोग होते हैं ना जिनको खुशियाँ प्लेट में सजी हुई मिलती हैं फ्री में, सही ना? तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत के इमोशंस क्या होते हैं? कभी किए हो तो पता चले ना। उफ मामू, आपने फिर ये ट्रेजेडी वाली शक्ल बना लिया ना। अब देखिएगा, आप बुरा सोचे आपके साथ पक्का कुछ बुरा होगा। बेटा मैं तो पहले ही अधमरा हुआ हूँ, सही ना? तुम दोनों बहन भाई मिलके मुझे डरा डरा के मार दो, खबर चलेगी जियो पे 28 साल कवारा नौजवान जो है उसका जनाजा उठ गया क्योंकि उसके अरमानों पे पानी फिर गया। मामू कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी बुरी बुरी बातें आपके दिमाग में आती कहाँ से हैं? भाई मामा क्या कहती हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बस मामू के साथ भी वही हो रहा है। इस बात का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। आई नीड योर हेल्प फरात, रानिया से बोलो कि अपने फादर से बोले कि अपनी बहन के लिए जो एक कवारा नेक शरीफ ईमानदार लड़का जो कि यहाँ खड़ा हुआ है उसकी तरफ देखें और गौर करें। यार तुम बात करोगे तो बात चलेगी ना यार, कुछ होगा ना। तो हर कोई मुझसे खामखा झूठी तारीफें क्यों करवाता है? देखो आप तो इंटरव्यू से पहले ही सिफारिश लगवा रहे हैं यार। पता नहीं उनके बाबा जानी उनसे इंटरव्यू में क्या सवाल करेंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे भी नहीं होंगे। अरे आप परेशान ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। अरे वो आपसे कोई आइटम बम का फार्मूला थोड़ी पूछेंगे, या आपसे वही थोड़ी कहेंगे कि जहाज को टेक ऑफ कैसे करना है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं पूछेंगे आपसे। आप बेफिक्र हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लेकिन तुम वादा कर रहे हो ना, तुम रानिया से बात करोगे ना मेरे बारे में? हाँ ठीक है भाई, मैं राबिर से कह दूंगा कि वो रानिया के पास जाके उससे बात कर ले बस। पता नहीं क्या होगा यार, मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा इंटरव्यू में।